हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुरुवार देर रात एक कार ने तेज और लापरवाही से चलाते हुए बागोड़ा रोड पर खड़ी एक बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक को घसीटते हुए हरिदेव जोशी सर्कल के पास में सब्जी मंडी तक लाया। वही आगे चल रहा युवक उनकी चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। घायल को लोगों ने तुरंत बाइक पर बिठाकर जालौर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं तुरंत उसका इलाज शुरू हुआ। उस दौरान काफी संख्या में मौके पर और अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। कार सवार वहां से भाग गया। भाग भाग कर वापिस नया बस स्टैंड मानसरोवर होटल के आगे गाड़ी लाकर खड़ी कर ली और गाड़ी स्टार्ट ही छोड़कर वहां से भाग गया। जैसे ही भीड़ को मालूम पड़ा कि गाड़ी मानसरोवर के बाहर खड़ी है, तो वहां भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। तब तक पुलिस को सूचना मिलने पर कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची, वह गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। उस दरमियान भी काफी संख्या में लोगों की भीड़ हो गई थी। पुलिस गाड़ी को कोतवाली लेकर आ गई। उस दौरान काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक को बहाल करने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद ट्रैफिक को सुचार करवाया और गाड़ी को कोतवाली लाया गया। हालांकि युवक को गंभीर चोट नहीं लगी। उसका नाम रमेश कुमार प्रजापत बताया जा रहा है, जो शास्त्री नगर का रहने वाला है। रमेश कुमार प्रजापत अभी सार्वजनिक चिकित्सालय में भर्ती है। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।